तेज रफ्तार बाइक की आपस में भिड़ंत होने से एक की मौके पर मौत और दो अस्पताल में इलाज के दौरान, वहीं एक की हालत गंभीर बताया जा रहा है। घटना छिबरामऊ कोतवाली के करमुल्लापुर गांव के पास की है। यहां छिबरामऊ की ओर से आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और मैनपुरी जनपद से आ रही मोटरसाइकिल आमने सामने भिड़ गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे की मौत अस्पताल में हुई। हादसे में एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों मोटरसाइकिल पर 5 लोग सवार थे। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मोटरसाइकिल नंबरों के आधार पर मृतकों और घायल की शिनाख्त करने में जुटी है। मामला ये है कि एम्बुलेंस से करीब 7:45 बजे हमारे पास 3 मरीज आए, बाद में एक मरीज और आया जो सभी ट्रैफिक एक्सीडेंट में घायल बताए गए। लोगों द्वारा पता चला कि छिबरामऊ से कन्नौज जाते समय सिकंदरपुर ग्राउंड एरिया से पहले कोई कमालपुर गांव है और वहां के पास दो बाइकों की पहले आमने सामने भिड़ंत हो गई, बाद में एक ट्रक वाले ने भी उनको मार दिया तो उनकी हालत सीरियस हो गई। जो मेरे पास आए 4, उसमें 2 की तो डेथ हो चुकी थी ऑलरेडी और एक मौके पर शायद बराबर कोई बताया गया है, लेकिन जो 2 हमारे पास आए थे उनकी हालत काफ़ी चिंताजनक है। और एक बच्चा था 9 साल का जिसे स्पाइनल इंजरी मतलब रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, उसको मैनेज करते करते करीब अभी हालांकि एम्बुलेंस बुक कर चुके थे दोनों को रिफ़र करने के लिए मेडिकल कॉलेज, लेकिन बच्चे की डेथ हो गई है। तो इस तरह से मरने वालों की संख्या मेरे यहाँ 3 हो गई है और चौथा जो है उसकी भी हालत चिंताजनक है। उसमें जबड़े में चोट लगी, कान से दोनों ब्लड आ रहा है, मुंह से ब्लड निकल रहा था और ब्लड फेफड़े में भी जा चुका है उसके, तो फेफड़ों ने लगभग काम करना बंद कर दिया है। तो इस तरह से उसकी हालत भी चिंताजनक है, लेकिन यह कि एम्बुलेंस जो LS सर्विस हमारी 108 की, उससे उसे रिफ़र करके मेडिकल कॉलेज कन्नौज भेज दिया गया है। सर कहाँ के लिए रेफर कर दिया गया? मेडिकल कॉलेज कन्नौज के लिए।